हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आप सभी के मैंने कुल टोटल 4 पॉइंट सभी नोटिस किए हैं जो आप सभी को भी बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप सभी का है जो मीडियम टेस्ट का, वो मैंने बता दिया, नीचे कंफर्मेशन के लिए रहता है, जिससे कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन का कॉलम जो है वो दिया गया, उससे आप सभी गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में अप्लाई कर रहे हो तो सी में, या डी में तो डी में करिए, नहीं तो बोथ का भी ऑप्शन है, बोथ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। तो उस तरीके से अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को चूज करिएगा। एक बार कंफर्म का भी ऑप्शन रहता है तो क्रॉस चेक ये चीज कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपको क्रॉस चेक करना है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। वहां पे आपको दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपको सारे एनेक्जर दिए गए हैं। अगर किसी के पास एनेक्जर नहीं है ओबीसी एससी एसटी का, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सेंट्रल सर्टिफिकेट का, सारे एनेक्जर आपको नीचे दिए गए हैं जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, ठीक है। वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फोटो से रिलेटेड आप सभी का जो डाउट है, तो फोटो से रिलेटेड उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब आज की डेट के 3 मंथ पहले, मतलब आज की डेट 20 अगस्त है, 3 महीने पहले 20 मई, तो 20 मई के बाद का आपका फोटो होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि नहीं है, फोटो पे डेट मेंशन करनी है, कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो एक आपको दिया गया है। क्योंकि होता क्या है कि आप 3 महीने से अगर ज्यादा ओल्ड, कोई कोई बहुत पुरानी फोटो लगा देते हैं तो वो पहचान में नहीं आता है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कुछ लोग बहुत पुरानी फोटो लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट फोटो लगानी, तो लेटेस्ट में अगर आप 3 मंथ के ड्यूरेशन की अगर आप लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम देने जाओगे तो सेम अपीयर आप सभी की होगी, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि फोटो पुरानी लगी होती, फिर एग्जाम में क्या होता है कि फोटो जब चेक होती है एडमिट कार्ड से आपका जो सामने देख के, वहां पे कई बार प्रॉब्लम भी आती है, तो सिर्फ उसमें एक डिक्लेरेशन है, कोई भी ऐसा डेट वगैरह अपलोड नहीं करनी। अगर आप कर भी देते हो तो बहुत अच्छी बात है, ओके।